गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीशो का ज्वेलरी हॉल। मैंने बहुत सारे मतलब थोड़ा बहुत सामान मंगाया है मीशो से, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मिक्सर ज्वेलरी हॉल होगा। इयररिंग्स हैं और थोड़े नेक पीस है, एंड देन देयर इज अ बैंगल्स। तो मैं विदाउट एनी मतलब कोई भी ऑर्डर के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो कुछ इयररिंग्स आए थे जो कि इस पैकेजिंग में आए हैं। मैं इनको ट्राई ऑन भी करती रहूंगी साथ में, बट आफ्टर द वीडियो। तो सबसे पहले जो इयररिंग है वो ये है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल से इयररिंग है। इनका साइज जो है काफी अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल है, इवन लाइट वेटेड भी है। और ये कलर है एंटीक गोल्ड में और चांद वाली टाइप में है। बहुत ब्यूटीफुल लगे मुझे ये, और ये डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा। और नीचे इसमें घुंघरू भी है और काफी अच्छे लगे मुझे ये। एथनिक वेयर पे जब आप लाइक हैवी वेयर नहीं करना चाहते हैं, कैजुअल वेयर करना चाहते हैं लाइट वेटेड वाले, तो वैसे जगह पे ये बहुत काम आते हैं, तो इसलिए ये मैंने लिए हैं। और नेक्स्ट है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ये ऑरेंज कलर के इयररिंग, और ये बहुत ब्यूटीफुल लगे मुझे। और इनका डिजाइन भी काफी यूनिक है, झुमकी के साथ यहाँ पे इन पे मतलब जो झुमकी का डिजाइन है मुझे काफी अच्छा लगा। और ये थोड़े से स्लाइटली हैवी है उसके कंपैरिजन में, और इसमें मीनाकारी का वर्क है और साथ ही साथ कुंदन का भी वर्क है, तो बहुत ब्यूटीफुल लगे ये। मैंने उस पर्पज के लिए लिए हैं जब आप लाइक कैजुअली तो जाना चाहते हैं, बट थोड़ा सा हैवी होना चाहते हैं अपने इयररिंग्स पे। ऑल्दो आप इनको स्टाइल कर सकते हैं किसी भी एथनिक वेयर के साथ, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। मीनाकारी वर्क काफी गुड क्वालिटी का है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी मुझे, और इतने भी हैवी नहीं है कि आपके ईयर को हर्ट करेंगे। बहुत ही ज्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा लाइट भी नहीं है, समवेयर इन बिटवीन है, तो ये इस वजह से मुझे काफी अच्छे लगे। और इसमें जो इन्होंने पर्स की जो डिटेलिंग दी हुई है काफी ज्यादा इसकी एनहेंस कर रही है इसकी ब्यूटी को। तो इसमें मुझे कुंदन वर्क बहुत ब्यूटीफुल लगा, मीनाकारी का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा है। और ये वाले इयररिंग काफी अच्छे रहते हैं जब आप बस अपने इयररिंग्स को ही बैम बैम करना चाहते हैं, तो उस वे में काफी अच्छे रहते हैं ये। नेक्स्ट अगेन मैंने हैवी इयररिंग लिए हैं, और वो है ये कुछ इस टाइप के। एक्चुअली ये फिरोजी कलर मुझे काफी अच्छा लगा, सी ग्रीन कलर या फिर फिरोजी कलर का है लो, मतलब इस कलर का मेरे पास कुछ है नहीं और आउटफिट भी नहीं है ऑल्दो, और इस कलर के लिए मुझे अब आउटफिट भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये कलर मुझे काफी पसंद आया और ये काफी अच्छा भी लगता है। बहुत ज्यादा डिफरेंट भी होता है ये कलर, और मैंने इयररिंग तो ले लिया है, अब इसके साथ मुझे आउटफिट भी लेना है। तो एनी हो, तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा है, लाइक गोल्डन के साथ फिरोजी कलर दिया है। आई डोंट नो कैसा कलर बोलते हैं इसको एग्जैक्टली, बट इसमें यहाँ पे जो डिजाइन है एंटी गोल्ड का वो काफी अच्छा है, उसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है और डिजाइन भी काफी अच्छा है। ये मेनली एथनिक वेयर के साथ ही अच्छे लगेंगे, और मेनली ये सारे एथनिक वेयर के साथ ही अच्छे लगेंगे क्योंकि शादी सीजन चल रहा है, और साथ ही साथ मैं लाइक एथनिक लुक के साथ काफी अच्छे लगते हैं, मतलब वीडियोस बनाने के लिए भी चाहिए होते हैं हमें, तो इस वजह से भी मैंने लिए हैं। और नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो अगेन झुमकी टाइप है, और ये छोटू सी झुमकी है, मीनाकारी वर्क ही है इसमें, और स्टोन और मीनाकारी का वर्क बहुत अच्छा हुआ है इसमें। और एज यू कैन सी कि कितना अच्छा लग रहा है, ये ऑरेंज कलर में है और ये कलर मुझे बहुत पसंद आया है। ऑरेंज कलर इज समथिंग जिसको आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इसको किसी और लाइक कॉन्ट्रास्ट में भी वेयर कर सकते हो। तो लाइक मुझे ये डिजाइन काफी अच्छा लगा, लाइट वेटेड है, आप कैजुअल लुक में पहन सकते हैं इसको, जहाँ पे आपको छोटे मोटे फंक्शंस में जाना है या फिर आप किसी लाइक डे आउट करने जा रहे हैं एथनिक वेयर करके, तो उस केसेस में ऐसे इयररिंग काफी अच्छे लगते हैं। ऑल्दो अगर आप ऑफिस की दिवाली पार्टी या फिर ऐसे कुछ फंक्शन में जा रहे हो तब भी ऐसे बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो ये ऑल इन वन पर्पस टाइप इयररिंग्स हैं ये। और नेक्स्ट है मेरे पास ये वाले स्टंट वाले इयररिंग्स जो कि बटरफ्लाई शेप में है और यहाँ पे स्टोन्स का वर्क है, ये काफी अच्छे लगे मुझे। लाइक इनमें बटरफ्लाई बनी हुई है, बट मैंने इसको बेसिकली डेली यूज के लिए ही लिया है क्योंकि डेली यूज में काफी अच्छा लगता है ऐसा बटरफ्लाई, छोटे से स्टड्स टाइप पहन लो
और यू आर गुड टू गो। अगर आप चाहे कॉलेज गर्ल हो या फिर ऑफिस गोइंग गर्ल हो या फिर स्कूल में भी जाते हो तब भी ऐसे बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं आपको। मतलब ये सभी के साथ कैरी भी हो जाते हैं, कलर कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और रोज और सोचना भी नहीं पड़ता है कि इस ड्रेस के साथ क्या पहनना है। अगर आप मेरी तरह लेजी हो तो मैं तो इसी में ऐसे चला लेती हूँ, क्योंकि जब कलर कोऑर्डिनेट करते हैं तो मुझे तो बहुत आफत आती है कि कौन रोज रोज ऐसे एक्सचेंज करे, और रोज रोज चेंज करने में मुझे बहुत आफत आती है, तो इसलिए मैं सेम कलर के ही ऐसे कैरी कर लेती हूँ। मतलब एक वीक तक तो चल ही जाता है, फिर अगर मन किया तो चेंज कर लो, नहीं किया तो उन्हें ही पड़े रहने दो। ऐसी हूँ मैं, ऐसी लेजी। तो एनीवे, तो मतलब इसलिए मैंने ये लिए हैं, ये काफी प्रीटी लगेंगे, स्टर्ट टाइप के और बहुत अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो अगेन चांद बाली है। चांद बाली इसके साथ तो पता नहीं मेरा क्या है, मुझे चांद बाली जहाँ पे भी दिखती है आई वाज लाइक कि मुझे ये पसंद आ रहा है बहुत ज्यादा। और चांद बाली समथिंग की मतलब जो पसंद आ ही जाती है हर किसी के साथ कैरी हो जाती है और बहुत ब्यूटीफुल भी लगती है। तो ये है कुछ रेड एंड गोल्ड के कलर में जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे इसमें स्टोन्स का वर्क है और साथ ही साथ यहाँ पे दो कलर के स्टोन यूज किए हैं, रेड एंड गोल्डन कलर के। तो दोनों ही बहुत ब्यूटीफुली तरीके से किए हैं और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी काफी अच्छी है, लाइट वेटेड है और बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे ये एथनिक वेयर के साथ। साड़ी के साथ भी आप इनको कैरी कर सकते हैं। इसमें अच्छा है, गुड क्वालिटी का है और ओवरऑल लाइट वेटेड है तो आपके ईयर्स को हर्ट भी नहीं करेंगे, और मल्टी यूज है लाइक रेड और गोल्डन कलर का, तो मतलब आप कलर कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो या फिर कॉन्ट्रास्ट में भी वेयर कर सकते हो। तो ऐसे करके मैंने ये सोच के लिया है ये। नेक्स्ट जो मैंने लिया है अगेन झुमकी ली है। झुमकी के साथ अगेन वही कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है झुमकी, और छोटी झुमकी मुझे काफी पसंद आती है। और ये है एंटी गोल्ड वाली झुमकी जिसमें सिर्फ झुमकी है, और ये मतलब आप डेली यूज में भी पहन सकते हो अगर आप एथनिक वेयर कुछ पहन रहे हो या फिर सूट पहन रहे हो तो उसके साथ काफी अच्छी लगेंगी ये। आप इनको कैरी कर सकते हो ऑफिस में या फिर कॉलेज में भी, कहीं पे भी ये एप्रोप्रिएट साइज की है, छोटू सी और बहुत लाइट वेटेड है, बहुत गुड क्वालिटी की है। और इसका जो एंटी गोल्ड कलर है वो भी काफी गुड क्वालिटी का है, जैसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है ना वैसे ही आप इसको किसी के भी साथ कैरी कर सकते हो, तो बहुत ब्यूटीफुल लुक देता है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है एक ब्रेसलेट लिया है, और ये ब्रेसलेट मुझे काफी अच्छा लगा और बहुत ब्यूटीफुल लगा इनफैक्ट। और ये है कुछ ऐसे, आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसे कुछ डिजाइन डिटेलिंग दी है, यहाँ पे हर्ट है, यहाँ पे लाइक स्टार है, फिर हर्ट है, ये काफी अच्छा लगा मुझे। और आप इसको लाइक मैं इसको गले में भी, नेक पीस भी इसको बना सकती हूँ। आई थिंक मैं इसको नेक पीस ज्यादा अच्छा लगेगा रेदर देन ब्रेसलेट। वैसे तो ये है ब्रेसलेट बट अभी मैंने इसको डाल के देखा बट नेक पीस में ज्यादा अच्छा लग रहा है। एनीवे इसको यहाँ पे एक वो करके लाइक चेन अटैच करके हम इसको नेक पीस भी बना सकते हैं जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। एनीवे लाइक मैं ये है तो एक्चुअल में ब्रेसलेट तो कि मुझे काफी पसंद आया ये। आप इसको वेस्टर्न वेयर के साथ काफी अच्छा लगेगा अगर आप इसको वेस्टर्न वेयर के साथ पहनते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो ऑब्वियस लाइक ठीक है मेरे पास कुछ है भी नहीं ऐसा और ले लो अच्छा लग रहा है तो, और काफी अच्छे प्राइस में भी था ये। तो जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो कुछ रिंग्स है, आर्टिफिशियल रिंग्स हैं ये बेसिकली, और इनका डिजाइन मुझे पसंद आ रहे थे तो मैंने सोचा कि ठीक है इतने अफोर्डेबल रेट में मिल रही है तो ले लेते हैं। तो इनमें कुछ बहुत सारी लाइक हैं, और ये कुछ ऐसी हैं। फर्स्ट है ये जो कि है स्टोन्स में, एंड इसमें ये जो प्लेटिनम टाइप मतलब सिल्वर में दिया है वो मुझे काफी अच्छा लगा, डेली यूज में काफी अच्छी रहती है ये। जिनको मतलब गोल्ड की या फिर प्लेटिनम या सिल्वर नहीं पहनना है वो ये पहन सकते हैं, और ये काफी सही लगा मुझे। मतलब ऑल दो मैं गोल्ड एंड सिल्वर पहनती हूँ अपने हिसाब में, बट इस हिसाब के लिए मैंने ले लिया, लाइक अफोर्डेबल रेट पे मिल रहा था तो आई लाइक ट्राई करके देख लेते हैं कि कैसा रल रहता है। और ठीक है अफोर्डेबल इतना अच्छा प्राइस पे मिल रहा था तो आई लाइक कि ठीक है ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट है ये कॉम्बो मिल लिया है रिंग्स का, जो कि मैं आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अपनी मम्मी को दे दूंगी, उनको काफी अच्छा लगता है, मतलब या तो वो पहन लेंगी या फिर देखते हैं, मतलब अच्छी लग रही है ये रिंग बेसिकली, काफी डिजाइन अच्छा है और डिजाइन तो मतलब अच्छा है, और जो स्टोन्स इसमें स्टोन्स का जो वर्क है वो भी काफी अच्छा है, गुड क्वालिटी का है, ऐसे मतलब चीप नहीं लग रहा है देखने में और मतलब अनटाइडी सा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी गुड क्वालिटी का लग रहा है। और पता नहीं कि ये लैस कितना करेंगी लाइक पानी में डालने के बाद, आई डोंट नो वो चीज, बट देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रही है ये। इसका डिजाइन भी काफी अच्छा लगा है, और जैसे कि डायमंड रिंग्स होती है वैसे में ही है ये,
आप बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि अभी मैंने पहनी है तो काफी अच्छी लग रही है, मेरी स्ट्रिंग से भी ज्यादा। इसमें से फेक है, मुझे ऐसे ही पसंद आते हैं, ज्यादा मतलब ज्यादा डिजाइन वाले नहीं पसंद आते, तो ये भी ठीक लग रही है मुझे, काफी सही लगी मुझे इनफैक्ट। और एक ही हाथ में पड़ी रही, बहुत अच्छी लगती है। देन ये है, इसका भी सेम डिजाइन है बट लाइक इसमें भी स्टोन्स का ही वर्क है और थोड़ा सा हैवी है ये एज यू कैन सी, बट काफी अच्छा है ये भी। इनकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी मुझे, लाइक प्राइस के हिसाब से क्वालिटी वेरी है नाइस। नेक्स्ट जो मैंने ली है ये अल्फाबेट वाली रिंग ली है पी के नाम से। आई डोंट नो मतलब क्यों ली है मैंने, बट ठीक है पी लिखा था तो मैंने ऑलवेज लाइक ठीक है ले लेते हैं चलो। ज्यादा मतलब प्राइस भी नहीं था, बहुत अफोर्डेबल थी तो अच्छी लगी मुझे ये। लाइक बेसिकली मैंने इसको पी के लिए ही लिया है, अदरवाइज मैंने इसको किसी चीज के लिए नहीं लिया, मतलब इतनी कुछ खास भी नहीं है, बट ठीक है अल्फाबेटिकली मेरे पास कुछ है भी नहीं तो इसलिए मैंने पी के नाम का ले लिया। अगर किसी मतलब कुछ लोग वंडर कर रहे हैं कि पी क्या है, तो पी से मेरा नाम है प्राची रावल, तो यस इसलिए मैंने ये ली है। और एक मैंने नेक पीस लिया है, वो काफी अच्छा लगा, पर्स का है और इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग भी है। ये लाइक कैजुअली आप इसको पहन सकते हैं एथनिक वेयर के साथ ही, अदरवाइज वेस्टर्न के साथ तो नहीं जाएगा ये। और इसमें इयररिंग्स भी हैं, लाइक ये है, इसका डिजाइन मुझे काफी पसंद आया था ऑनलाइन जब मैं देख रही थी, और यहाँ भी इसका डिजाइन काफी प्रिटी लग रहा है। बहुत लाइट वेटेड है, लाइक इसको आप वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हो जब आप डीप नेक का कुछ पहन रहे हो तो। लेकिन लुक इसने इस इन्होंने वैसे ही दी हुई है एथनिक वाली, जैसे कि यहाँ पे ये होता है। आप इसको लाइक उसके साथ भी पहनोगे ना, टॉप के साथ डीप नेक के साथ, तो भी काफी सही लगेगा ये। इसमें पर्ल्स का काम है और यहाँ पे ये डिटेलिंग है जो कि काफी प्रिटी लगी मुझे। लाइक इसका डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा था, ये सभी के साथ जाएगा। आप इसको व्हाइट सूट के साथ भी पहन सकते हो, या फिर कॉन्ट्रास्ट में, या फिर मतलब ये कुछ ऐसा कलर है जो सबके साथ जाएगा, आपको कलर कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसमें गोल्डन टच हो, वॉर्म वॉर्म कलर हो, वो सभी के साथ ये जाएगा। कूल टोन के साथ नहीं जाएगा ये, बस वॉर्म टोन के साथ ही जाएगा। तो अगर आप कुछ वॉर्म टोन कलर पहन रहे हैं या फिर कुछ वॉर्म है उसमें, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये, लाइक साइड पे भी अच्छा लग रहा था और इन पर्सनल देखने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें इयररिंग्स भी आते हैं जो कि हुक्स टाइप में हैं, और ये भी काफी लाइट वेटेड है एज यू कैन सी, और सेम डिजाइन है जैसे कि इसका उसका है नेक पीस का, और सेम लाइट वेटेड है। आप इनको डेली यूज में भी पहन सकते हो, बट इसमें हुक दिया हुआ है तो मैं प्रेफर नहीं करती डेली यूज में पहनना, बट ठीक है अगर लाइक स्टड टाइप कुछ होता तो ज्यादा सही रहता, हुक में निकल जाता है पता नहीं चलता, मतलब इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती हूँ हुक्स वाले पहनना। जो मैंने लिया है ये कंगन लिए हैं, मतलब मेटल की चूड़ियां ली हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। आप इनको देखोगे मुझे अपनी वीडियोज में पहने हुए बहुत बार। मैंने ये इसलिए लिए है क्योंकि एक तो ये मेटल्स है, मुझे बहुत अच्छी लगती है मेटल की चूड़ियां या मेटल की बैंगल्स, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कांच की पहनना बिल्कुल नहीं पसंद करती, अगर मुझे किसी शादी में जाना पड़ गया है या फिर अगर किसी शादी में जाती हूँ मैं, तो मैं ये वेयर कर लूंगी, काफी अच्छी है। गोल्डन कलर में सभी के साथ चल जाएंगी, जहाँ पे लाइक आप सिल्वर नहीं पहन सकते। अगेन जहाँ पे आप मतलब मैं कांच की चूड़ियां बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, पता नहीं मुझे पसंद ही नहीं आती है, तो मैंने इसलिए ये लिया है। और मेरी वीडियोस में भी काम आ जाएंगी ये, तो मल्टीपर्पज यूज हो जाएगा मेरे लिए। और अगर आपकी शादी आ रही है, अगर आपको किसी की शादी में जाना है, तो आप वहां पे वेरी कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगेंगी। आप सूट के साथ भी इनको कैरी कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और मेटल की लाइक इसमें तो ये वाले हैं, इनके बिना अगर आप इसको पहनेंगे ऐसा भरा हुआ हाथ तो भी बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो ये स्टोन्स का नेक पीस लिया है जो कि सिंगल लेयर में है। इसमें थ्री लेयर्स का भी मिल रहा था, पर मुझे प्रेफर हुआ कि सिंगल लेयर वाला लेते हैं। और ये बहुत ही चीप था, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया ये सारा सामान मुझे, और ये काफी अच्छा लग रहा है बैम बैम वाला। अगर आप कोई गाउन पहन रहे हो, एथनिक हो या फिर वेस्टर्न हो, दोनों के साथ चलेगा ये, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे, इसमें स्टोन्स का वर्क है वेरी गुड क्वालिटी, इसमें स्टोन्स का वर्क है वेरी गुड क्वालिटी। अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हुक भी दिया है और यहाँ पे मुझे इसकी डिटेलिंग काफी अच्छी लगी, और इसका गुड क्वालिटी है, वेरी गुड क्वालिटी आई वुड से, और बहुत अच्छा लगा ये। मैं अगर टॉप के साथ भी पहन लूंगी ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा ऐसे, लाइक डीप नेक के साथ ऑफकोर्स, बट काफी अच्छा लगा मुझे, बहुत प्रिटी है ये। Thank you.
लिए मैंने सोचा अभी अभी भी थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है, मैंने सोचा उसके लिए नेक्स्ट हॉल कर लूंगी मैं पार्ट टू, क्योंकि अभी यही करूंगी तो अभी ऑलरेडी आधा घंटा हो गया, अगर और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको मैं अभी यहीं पे खत्म करती हूँ। पार्ट टू के लिए आप देखते रहिए और मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको अगर पार्ट टू चाहिए इसका या नहीं, तो मैं आपके लिए पार्ट टू भी शेयर कर दूंगी। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से क्या पसंद आया और क्या अच्छा लगा और अफोर्डेबल प्राइस के अकॉर्डिंग भी आपको क्या अच्छा लगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको जानना है मेरे बारे में थोड़ा बहुत, तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बराबर में जो बेल बटन है उस पर भी क्लिक कर दो और ऐसे ही मेरी वीडियो को शेयर कर दो अगर किसी के काम आती है तो। और कमेंट करके मुझे बताओ कि और कौन सी वीडियोस आप देखना चाहोगे। और इस वीक में मैं हॉल करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारी सेल चल रही है और मैंने बहुत सारा सामान खरीदा है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूंगी वो सब। तो चलिए अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो कि आने वाली है डे आफ्टर टुमारो। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।